है मनीषा रानी का दिल, अब तो आंखें खोलो फुकरा इंसान। यार काफी ज्यादा लोग जो है तड़प गए हैं। काफी सारी ऐसी चीज जो है घर के अंदर जो हो रही है उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा जो है सोशल मीडिया पर हर जगह पर चल रही है। मैं भी लगातार आपके साथ जो है उसके बारे में गॉसिप कर रही हूँ, आप लोग भी काफी सारी बातें बोल रही हैं। तो जैसे कि कल के टास्क में फुकरा इंसान को काफी ज्यादा चोट लगी, उस वक्त भी जो है मनीषा रानी ने फटाफट जो है मलहम लेके आके लगाई, क्रीम लेके आके लगाई। मनीषा रानी रात को भी ये बात करती हुई नजर आई कि ये चीजें किसी के बच्चे को लगे तो उसकी माँ का क्या हाल होता होगा, वो माँ बोलती होगी कि इसकी जल्दी जल्दी क्रीम लगाओ। तो मनीषा ने उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए ये चीजें की अपनी, कि उनकी मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा, वहां तक उनकी केयर की है गई है मनीषा की। अब ओटीटी में ये सब लोग बैठे हैं, जिया तो कुछ केयर करती नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बस क्यूट बनने की कोशिश करती है, बस और कुछ नहीं है। और वहां पर आ गई मनीषा, मनीषा को थोड़ी सी जगह मिलती है, मनीषा वहां पर बैठती है और पहले देखती है उसके हाथ कि जख्म ज्यादा तो नहीं हुआ, अभी तू ठीक है, क्रीम लगा ले, तेल लगा ले, तेल दूं क्या, वैसा करूं क्या, इतनी बोल के इतनी केयर करके वहां से जाती है। तो ये चीज आखिरकार फुकरा इंसान को भी ये चीजें पता है, पर फुकरा इंसान के जो मतलब कि कुछ लोग हैं ये बात बोल रहे हैं कि फुकरा इंसान मनीषा के लिए ही ये कर रहा है। तो भाई ये चीज याद रखो कि ये पॉइंट मैंने ही बताया था आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में ऐसा चल रहा। अभी तक फुकरा इंसान ने इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी जो है वो दी नहीं है। और अगर मैं फिर एक बात बोलूं कि फुकरा इंसान जैसे अभिया फैन पेजेस है उसके लिए भी ये कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए भी ये कर रहे हैं। हाँ फिनाले नजदीक आ रहा है, अभिया जो बाहर बहुत ज्यादा चल रहा है, जो कि उनको लगता है कि हाँ अभिया बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर अभिषा बहुत ज्यादा चलता तो मम्मी बताती ना, एलविशा बहुत ज्यादा चलता तो पापा बताते ना, वो तो सब चीजें नहीं बताई पर अभिया बताया है, तो वो फायदे के लिए भी हो सकता है। क्या कहती हैं आप लोग, जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट, चाहे कैसे भी हो आपकी राय। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।